हेलो दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। कल तारीख है 18 और मगध विश्वविद्यालय कल भी बंद है। आज मैं आप सभी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक छात्र क्या बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे, ठीक, तो मैं आप सभी को जगाना चाहता हूं, और नहीं जागेगा तो मेरा क्या लीजिएगा। मैं खुद जो मैं वीडियो बनाने इस वीडियो को देखिएगा, अजय छात्रों को शेयर कीजिएगा। ऐसा कोई दिक्कत हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, बट जितना जानता हूँ उससे इस छात्र का भविष्य कोशिश कर रहा हूँ बच जाए, समझे। ये मेरे पास दो दो कागज है और इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो सेशन है मेरे से रिलेटेड सेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो सेशन पीजी का जो चला है, यूजी का सेशन भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बदला है, पीजी का भी बदला है, ठीक। तो हम ये छात्र या हम बोलिए 18-20 के पीजी के स्टूडेंट हैं, और पीजी कहीं ना कहीं करने में लगभग अभी चार से पाँच साल लग चुका है। 18-20 का पीजी अभी तक चल ही रहा है, बहुत दुविधा की बात है, समझे। परंतु मेन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा क्या है आप सभी को मैं इस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू और इस फॉर्म के थ्रू बताना चाहता हूँ। ये छात्र, इसका लास्ट डेट था 4th सेमेस्टर का 13 तारीख को, 15 तारीख को जमा करना था। ये लड़का आया 14-15 तारीख को आया था, परंतु जिस डिपार्टमेंट के उस डिपार्टमेंट के हेड नहीं थे और सैटरडे दिन था, वो सब चले गए थे, तो इसका फॉर्म नहीं भरा। कोशिश तो मेरा रहेगा कि इसका लाइफ जो 4 साल है वो बच जाए। चलिए पहले मैं नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आपको बारीकी से बता देना चाहता हूँ और पुराने एजुकेशन पॉलिसी को। ये छात्र जो है, इसका नाम है विकास कुमार और इसके एक छोटे भाई हैं जो रोहित कुमार, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं। उन्होंने कहा भाई आप ही जिंदगी बचा सकते हैं भाई की, मतलब कागज पंकज भैया आपके सिवा कोई नहीं है, क्योंकि ये सब दुआई को खटखटा लिया है, ठीक। तो मैं आप सभी छात्रों को, ऐसे छात्रों का समस्या है तो मुझे अवकाश बताएं। देखिए जो ये पेपर है आपको मैं दिखा रहा हूँ, पूरा तो डाटा नहीं दिखा सकता किसी का, मैं आपको बता रहा पहले भी। यहाँ पर पेपर देखिएगा आपको, टोटल पीजी में जो है 16 पेपर थे पहले। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कितना पेपर है मैं आपको फाइंड मुझे पता करना पड़ेगा, बट पुराने एजुकेशन पॉलिसी में 16 पेपर थे, जिसमें से अगर फर्स्ट सेमेस्टर का देख सकते हैं 4 पेपर आपको यहाँ ब्लर दिखा हुआ, 1, 2, 3, 4 पेपर ये आपके सामने हैं। और इसने 18-20 के साथ एग्जाम दिया भी। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का देख लीजिए, इसने भी एग्जाम दिया 4 के बाद 5, 6, 7, 8, ठीक, इसने एग्जाम दिया। और इसमें छात्र की भी गलती है, कुछ गलती, ज़्यादा गलती यहाँ के जिस कॉलेज के हैं ये उनकी गलती है, जिस डिपार्टमेंट की उनकी गलती है, क्योंकि आप जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है 19 से, तो इस छात्र को दलदल में आपको नहीं फेंकना चाहिए था। छात्र का काम क्या है, उसका काम है फॉर्म भरना, फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड जारी होता है, जिस तरह से एडमिट कार्ड जारी हुआ है, और एग्जाम देना। इस छात्र ने भी वही काम किया, इसका एग्जाम फॉर्म भरा गया, इसने फॉर्म भरा, अब इसको क्या पता कि एक मतलब गैप लग गया था, तो हमारे कंट्रोलर साहब जो नए आए हैं, मैं बता रहा हूँ, ये 3rd का भी निकाले थे फॉर्म का डेट, और 4th का 2 बार निकल चुका है फॉर्म का डेट, समझे। इस छात्रों को देखिए 19 से लेकर 21 वाले सेशन के साथ इंक्लूड कर दिया गया। मैं कुछ चीज रख देता हूँ, एडमिट कार्ड देखिए आप, 19 के और 21 के साथ इसका इंक्लूड कर दिया गया है। इंक्लूड करने के बाद इस छात्रों का समस्या क्या है, ये नया एजुकेशन पॉलिसी है और इसमें जो पेपर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑड इवेंट का सिलसिला इसमें चलता है, समझे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑड इवेंट का सिलसिला चलता है, इसने 6 पेपर दिन से दिवा दिया गया है और इनका पेपर भी ना दिवा दिया गया है। तो देखिए उधर 8 पेपर तो 9 पेपर से चालू होना चाहिए, जो कि भाई का जो सिस्टम कर दिया गया है
10 पेपर से इंक्लूड किया गया है, ठीक। और फोर्थ वाला भी दो फॉर्म आया है, तो डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि इसका किसी भी हाल में एग्जाम ना दिवाए। जहां आप एग्जाम दिवाते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसका ब्लेम होते हैं, आप इसका उत्तरदायित्व आपका हो जाता है। कभी छात्र किसी तरह छात्र हित को देखते हुए किसी तरह इसको करना होगा। उसके बाद इसका देखिए फोर्थ सेमेस्टर भी डिपार्टमेंट की तरह से फॉर्म भरा दिया गया है। डिपार्टमेंट मगध विश्वविद्यालय के यहीं का है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से फॉर्म भरा दिया गया है और इसका एग्जाम दिवा दिया गया है। लड़का क्या एडमिट कार्ड का एग्जाम देगा। अब लड़का जब आता है तो बोलता है कि जाइए आपका कागज बर्बाद है, आपका लाइफ बर्बाद हो गया, आप ये कैसे एग्जाम दे दिए। तो इस छात्र का आप बता सकते हैं, आप ही सब जितने भी छात्र देख रहे हैं इसका गलती है इसमें, मुझे कमेंट्स कीजिएगा और कहीं ना कहीं इस पर एक मिलना चाहिए। उसके बाद सभी दुआई खटखटा लिया तो सब बोलते भी है कि तुम प्रशासनिक विभाग क्यों आते हो, किस लिए आते हो। तो ये समस्या है। अभी नए जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं वो बहुत अच्छे से मुझे बताए कि देखो पंकज, गलती तो कुछ स्टूडेंट का भी है और कुछ डिपार्टमेंट का भी है। डिपार्टमेंट का गलती मैं मानता हूँ 90%, डिपार्टमेंट का 10% स्टूडेंट की गलती है। उसको फॉर्म नहीं भरना चाहिए जहाँ ऐसा कुछ है, तो जहाँ किसी तरह का लड़का फेल हो जाता है तो उसका फॉर्म मत भराइए। एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसका एक सब्जेक्ट का फॉर्म भराइए, सभी सब्जेक्ट का फॉर्म भरा देते हैं। ग्रेजुएशन में भी यही सिलसिला चलता रहता है, उसके कारण छात्र परेशान होते हैं, मिसलीडिंग डाटा हो जाता है, जैसे इसके साथ ये चीज हो चुका है। आप बताइए जब ये लड़का आया तो उस टाइम तो ये फॉर्म लेके आया, फॉर्म फिलअप किया और डिपार्टमेंट गया, उसके बाद यहाँ इनके ना डिपार्टमेंट ऑफ हेड थे उस दिन, उस टाइम मतलब नहीं आए थे, छुट्टियां भी चल रही है, और नहीं डिपार्टमेंट ऑफ हेड क्लर्क थे, आए थे चले गए थे। छात्र 4 बजे तक रुका, 5 बजे मेरे पास आया पंकज रोते हुए, पंकज भैया देखिए मेरी जिंदगी बर्बाद है, अब मैं क्या करूँ, बीएड भी छात्र कर रहा है, कहीं ना कहीं 2 लाख रुपये उधर भी दिया है, ये सोचा है टीचर बनूँ, पीएचडी पीजी करने के बाद 10+2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इसका निदान अब 19 तारीख को खुलेगा तभी हम कंट्रोलर से नहीं यहाँ सुनेंगे तो इसका जो चीज है, क्योंकि छात्र का गलती कहाँ है आप बता दीजिए। इसका निदान तो हम छोड़ेंगे नहीं, जहाँ तक इसके लिए जाना पड़े इसका छात्र का साथ रहा, मैं आप सभी को बोलता हूँ बार बार छात्रों का साथ मेरे पास है, छात्रों का सपोर्ट रहेगा तो आप गलत नहीं रहिएगा, तो आपके लिए पंकज मगर जहाँ बोलेगा वहां तक जाने के लिए तैयार है। परंतु आप गलती रहिएगा, आप फ्रॉड रहिएगा, आप धुरफंदिया कीजिएगा, तब नहीं रहेंगे पंकज मगर। इस छात्रों के लिए मैं हमेशा के लिए तात्पर्य हूँ और कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट बनना चाहिए। हाँ, आप वैसे भी छात्र ऐसे हैं कि आपको मैं ही केस दिखाया हूँ, आप जहाँ वैसे छात्र हैं तो आप मुझे जल्दी से जल्दी संपर्क करें, और संपर्क करने का नंबर आपको दिया गया है, क्योंकि ये मुद्दा एक का नहीं होगा, फिर जहाँ ये भटक गया, क्योंकि अभी भी समय है, फोर्थ का लिया जा रहा है एग्जाम लिया जाएगा, थर्ड का इसका कुछ किया जाएगा, परंतु आप जहाँ आप बहुत सारे छात्र रुके हैं इसे तो बताइएगा। और मैं आप सभी छात्रों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, नए एजुकेशन पॉलिसी को जानिए, ठीक है नहीं जानते हैं तो पता कीजिए, और आप एक सब्जेक्ट में जहाँ फेल होते हैं या एब्सेंट होते हैं तो आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए, समझे। अन्यथा ये नहीं कीजिए कि चलिए ले दे के काम करवा लेंगे, एब्सेंट है तो करवा लेंगे, ठीक है आपको आदमी ऐसा मिलता है तो कर देता है तो अलग बात है, आपका कागज डायरी पे काम कर देता है, रिकॉर्ड पे काम कर देता है तो अलग बात है, अन्यथा जहाँ आपकी मर्जी है तो उस सब्जेक्ट का फॉर्म भरिए और सेशन को जानिए, क्या आपका सेशन एक्सपायर तो नहीं कर रहा है, क्या आपका सेशन पीछे तो नहीं दिया गया है, आपको 5 साल तक इसका रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी है, क्या उससे आप एक्सपायर तो नहीं हो गए हैं। इस सभी चीज़ों को जानने के लिए पंकज मगध चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और पंकज मगध को इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कुछ भी ऐसा आता है तो हम जरूर बताएंगे, और आपका जो राय है अपनी राय को रखिए, ठीक। हम भी एक स्टूडेंट हैं और कल मगध विश्वविद्यालय जैसा कि मैंने बताया बंद है,
और कल मेरा नेट का एग्जाम है, आप देख सकते हैं, तो हम कल एग्जाम देने निकलेंगे। तो जो भी छात्र हैं, जब पीजी कर रहे हैं या वोकेशनल कुछ कोर्स कर रहे हैं, तो आप नेट का एग्जाम दीजिए, पीजी कीजिए, नेट का एग्जाम दीजिए, हायर एजुकेशन को जारी है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, परसेंटाइल कास्टिज्म के ऊपर परसेंटाइल सबसे हम ज्यादा रहने के बाद भी छात्र पीजी करते हैं, पीजी के बाद आगे ट्राई नहीं करते हैं। आप जहाँ नेट करके नेट कीजिएगा, उसके बाद आपको बहुत सारे लाइन खुल जाएंगे प्रोफेसर के, मतलब अलग अलग फील्ड आपको खुल जाएगा। तो हायर एजुकेशन को जानिए, क्योंकि आने वाले समय में हायर एजुकेशन को लेकर बहुत बड़ा रहेगा। जहाँ पीजी तक पहुँच गए हैं तो पीएचडी का कोशिश कीजिए, जॉब करने के बाद भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अपना प्यार इसी तरह से पंकज मगध पे बनाए रखें। देख सकते हैं फर्स्ट ईयर आपका ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे छात्रों का पसीना से पूरा पंखा खराब है, तब भी आपको वीडियो मेरा और डेली वीडियो आपको इसको मिलता है। और मेरा चैनल है पीएमओ चैनल पंकज मगध ऑफिशियल, उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ कुछ कंटेंट है, ब्लॉगिंग चैनल है जो मेन रूप से एजुकेशन पर्पज चैनल में वो बना रहा हूँ, पंकज मगध ऑफिशियल चैनल है, आप जाके वहाँ पे प्यार और सपोर्ट दिखाइए। बहुत चीज़ों को मैं वहाँ पे इंक्लूड करके, मतलब चीज़ों को बताता हूँ एजुकेशन पर्पज से, जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।